हैंडसम पॉलिटिशियन चिराग पासवान के बारे में हर कोई जानना चाहता है। जब चिराग पासवान से ये सवाल किया गया कि वो कब करेंगे शादी, कंगना रनौत का नाम सुनते ही शर्म से लाल हुए चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान ने अपनी शादी को लेकर रिएक्ट किया है, साथ ही उन्होंने कंगना रनौत संग मुलाकात के बारे में भी बात की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने अपनी शादी और कंगना रनौत को लेकर रिएक्ट किया। जब उनसे पूछा गया कि कब करेंगे शादी, जब चिराग से उनकी शादी को लेकर सवाल हुआ तो वो हंसने लगे और उन्होंने सवाल को टालते हुए देश के युवाओं और रोजगार की बात की। उन्होंने कहा, इस वक्त क्या कोई जवाब दे इन सब सवालों का, आज बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो बैचलर हैं जिनके भविष्य की चिंता सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि सरकार ने हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लिए कई स्कीम लॉन्च की और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचा है। मेरे दिमाग में अब पॉलिटिक्स ही चलती है और कुछ दिमाग में आता नहीं है। कंगना रनौत संग मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग पासवान, ये भी हम आपको बता देते हैं। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आपकी एक फिल्म आई थी मिले ना मिले, पर संसद में आकर मिल गए आपकी सांसद कंगना रनौत से, उस तस्वीर की बहुत चर्चा है, आपकी क्या अनुभूति थी, ये सुनकर चिराग शर्मा गए। उन्होंने कहा, हाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई, चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने कहा था कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, मूवीज के बाद बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई और पिछले कई सालों से मेरे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे, उस तस्वीर की चर्चा तो बहुत हुई। उन्होंने कहा, हाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई चुनाव प्रचार के दौरान और मैंने कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन भी हूँ, मूवीज के बाद बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई और जब पिछले 3 साल से तो इतने उतार चढ़ाव थे कि मेरी बातचीत भी नहीं हुई उनसे, बहुत लंबे समय के बाद उनसे मुलाकात हुई और ये अच्छा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अभिनेता कभी बन नहीं पाया, मैं नेता ही बन पाया। बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान ने फिल्म मिले ना मिले हम में साथ काम किया। ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, ये चिराग की पहली फिल्म और आखिरी फिल्म साबित हुई थी, लेकिन फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो, चिराग पासवान का कंगना रनौत से दोस्ती का सिलसिला अभी भी जारी है, जो कि फिल्मी दुनिया से संसद तक जारी ही रहा। अब आगे देखते हैं कि चिराग पासवान किसको अपनी दुल्हनिया बनाएंगे, ये सवाल तो अभी भी शायद बरकरार है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।